जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हंसास इजी कुकिंग में। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक सिंपल सी रेसिपी लेके आई हूँ जो बनती तो सबके घर में है, दाल चावल। पर आज मैं इसे बिल्कुल पुराने तरीके से बनाऊंगी, बिल्कुल सात्विक तरीके से, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्दी रहेगी, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स मिस कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिट्टी के बर्तन में लगभग आधा कप के करीब मसूर की दाल ली। आप तुर की दाल भी ले सकते हैं। उसे हम अच्छे से धो लेंगे 2 से 3 पानी में। इसे धोने से क्या होगा ना, इसका पाउडर निकल जाएगा वाइट वाइट। फिर हमें इसे पानी भरकर लगभग आधा से 1 घंटे के लिए भिगो देना है। इस तरह से हमें दाल ऑलमोस्ट भीग चुकी है ये। अब हम इसे पर गरम करने के लिए रख देते हैं और हम इसके लिए चावल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने करीब 1 गिलास चावल लिया है। यहाँ पर मैंने सेमी ब्राउन राइस लिया है जो खाने में बहुत ही हेल्दी होते हैं और हमें ज़्यादा देर तक भूख भी नहीं लगने देते। आप चाहे तो नॉर्मल राइस भी ले सकते हैं, पर इसे ट्राई करिएगा, ये भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो इसे हमें 2 से 3 बार पानी में अच्छे से धो लेना है क्योंकि इसका ये पाउडर अच्छे से निकल जाएगा, स्टार्च जो है, और चावल हमारे अच्छे से साफ भी हो जाएंगे। अब ब्राउन राइस को थोड़ा सा ज़्यादा ही साफ करना पड़ता है हमें, तो बस इस तरह से इसे मसल मसल कर अच्छे से धो लीजिएगा ताकि अच्छे से साफ हो जाए। अब हमने इसमें 1 से 2 गिलास के करीब पानी डालकर इसे 1/2 घंटे के लिए भिगो दिया है। चलिए हम अपनी दाल देख लेते हैं। अब दाल के ऊपर ये जो झाग आ रहा है ना, हमें पूरा निकाल देना है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, इससे हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, गैस की प्रॉब्लम जो होती है वो इसी से होती है। तो इसे हमें पूरे से निकाल लेना है। अगर आप कुकर में दाल बना रहे हैं तो उसमें एक बॉयल होने तक या इस तरह से झाग आने तक उसे निकाल सकते हैं आप। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच जीरा और 1 छोटा प्याज बारीक काट कर इस तरह से डाल देंगे। 1/2 टमाटर पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हमें स्वादानुसार नमक भी डाल देना है। हमारी दाल को हम बॉईल होने देते हैं, तब तक हम राइस चढ़ा देते हैं। चावल में हमें यहाँ 4 से 5 गुना पानी लेना है जिससे कि अच्छे से कुक हो जाए। और यहाँ पर इसके लिए मैंने इस तरह की एक हांडी ली है, आप चाहे तो पतीला भी ले सकते हैं। हमें इसे खुले में पकाना है। इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे। इसमें भी हमें ऊपर जो झाग आ रहा है उसे निकाल लेना है। अगर आप इस तरीके से चावल बनाएंगे तो आपके वेट लॉस में भी हेल्प कर सकते हैं, तो इसे ट्राई करिएगा। देखिए, दाल भी हमारी ऑलमोस्ट हाफ कुक हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी डाल देते हैं, पानी कम है इसमें, अब इसमें गर्म पानी ही डालिएगा। देखिए, अब इसमें हमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए और बॉईल करना है। तब तक हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ हम 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 2 से 3 हरी मिर्च को इस तरह काट कर कूट लिया था। अब एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच घी लेंगे, उसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ और 1/2 चम्मच राई लेकर इस तरह से डाल देंगे और उसमें 1 छोटा सा प्याज काट कर डाल दीजिए। जब ये हाफ कुक हो जाए इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल दीजिएगा जी, और लहसुन डाल देंगे और 1 छोटा सा टमाटर डाल देंगे। अच्छे से टमाटर पक जाए हमारा, तब हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया, 1/4 स्पून के करीब हल्दी डाल देंगे क्योंकि हल्दी मैं पहले ही डाल दी थी तो हमें कम ही डालनी है। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। हमारी दाल भी कुक हो चुकी है, तो हम इस बघार को इसमें डाल देंगे। देखिए दाल कितनी यम्मी लग रही है और बहुत ही अच्छे से कुक हुई है, बिल्कुल हेल्दी तरीके से। तो आप भी इस तरह से कभी कभी दाल बना सकते हैं, एटलीस्ट मसूर की तो बना ही सकते हैं, इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। देखिए हमारी दाल भी रेडी हो गई है। अब इसमें ऊपर से हमने
कश्मीरी लाल मिर्च, लहसुन सूखी का तड़का लगा दिया ऊपर से डबल में, इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हमारे चावल भी कुक हो चुके हैं, आप इन्हें दबा के चेक कर सकते हैं। हमें इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है और इस तरह से इन्हें सर्व कर लेना है। ऊपर से हम इसमें घी डाल देंगे जिससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरीके से आप भी कभी दाल राइस बना कर दिखेगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको पुराना टाइम याद आएगा, पहले लोग कुछ कुकर नहीं था तो वो ऐसे ही बनाया करते थे खाना, और ये बहुत ही हेल्दी होता है इस तरीके से बनाना। तो कभी कभी हम भी ट्राई कर सकते हैं इसे, रोज़ तो बनाना मुश्किल है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय इट, बाय, टेक केयर।